नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और मैं हमारे YouTube परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस तीसरे योगा फिट सेशन में। हमारे डेली रूटीन में हम कैसे एक्टिव रह सकते हैं, इसके बारे में फोकस करेंगे आज के सेशन में। तो शुरुआत करने से पहले जरूर डाउनलोड कीजिए कल्ट फिट ऐप, जिसमें आपको मिलेंगे ऐसे और कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी मैट पे किसी भी आरामदायक स्थिति में आके बैठ जाएं। मैं यहाँ सुखासन में बैठी हूँ, आप चाहें तो वज्रासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी कमर और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और हथेलियों को घुटनों पे इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में ले आए। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब हम 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपने सांसों के मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर और बाहर। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने शरीर को तैयार कर लेंगे आज के इस योग सेशन के लिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले डीप इनहेल, अपनी हथेलियों को धीरे से रब करना शुरू करें। और तेज हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लें। अब अपनी हथेलियों को धीरे से आंखों पे रखते हुए आंखों और चेहरे को एक जेंटल मसाज देते हुए आंखें खोल लें। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन से एक वार्म अप करके। तो हमारा सबसे पहला वार्म अप होगा मुष्टिका बंधासन। इसके लिए आप सुखासन में यूं आके बैठ जाएं, अपनी कमर और पीठ को सीधा रखें, अपने हाथों को सामने इस प्रकार फैला लें। अब यहां से हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार खोलेंगे और फिर इस प्रकार बंद करेंगे हल्के से फोर्स के साथ। ये मूवमेंट हम दोहराएंगे 10 बार इस दिशा में। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3 ब्रीदिंग फुल और कंप्लीट। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हाथों को नीचे ले आए। अब यही मूवमेंट हम दोहराएंगे हाथों को अपनी साइड में रखते हुए। तो इस प्रकार हाथों को साइड में ले आएं और अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ रखें। अब 10 बार उंगलियों को अंदर और बाहर मूव करेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हाथों को वापस ले आए सेंटर में
अब आखिरी बार यही मूवमेंट दोहराएंगे, हाथों को कानों से सटाते हुए सर के ऊपर लेके। तो इस प्रकार हाथों को ऊपर ले आए, कमर और पीठ बिल्कुल सीधी, और शुरुआत करते हैं 10 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाथों को धीरे से नीचे ले आए। ये वार्म अप से आपके रिस्ट, फिंगर्स और शोल्डर्स को बहुत फायदा पहुंचता है। और जो भी लोग लैपटॉप या फोन पे काफी टाइम बिताते हैं, उनके लिए ये वार्म अप बहुत जरूरी है, दिन के 3 या 4 बार। चलिए अगले वार्म अप में चलते हैं। इसका नाम है गतियात्मक मेरु वक्रासन। तो इसके लिए हम अपने पैरों को सामने की तरफ इस प्रकार फैला लेंगे। पैरों को जितना हो सके वाइड रखेंगे, जहां तक आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ज्यादा पुश ना करें। अब यहां से हम राइट हैंड को लेफ्ट पैर पे इस प्रकार पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को सीधा पीछे की ओर ले जाएंगे और पीछे देखेंगे। यही मूवमेंट हम डायनामिक तरीके से दोहराएंगे 10 बार। ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखें, फुल डीप ब्रीदिंग करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए सेंटर में आ जाएंगे। अब तीसरे वार्म अप के लिए इसी पोजीशन में हम कायम रहेंगे। इसका नाम है चक्की चालन आसन। इसके लिए हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार इंटरलॉक कर लेंगे और एल्बोस को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कमर और पीठ को सीधा रखते हुए हम पहले 5 बार क्लॉकवाइज तरीके से घूमेंगे। ध्यान रखें एल्बोस को बेंड ना करें, ठीक है? 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4 एल्बो सीधी और 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 और 5 बैक टू द सेंटर। अपने पैरों को मोड़ लेंगे और सुखासन में आके बैठ जाएंगे। हमारी आसन प्रैक्टिस की ओर चलने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, रोज 30 मिनट के योग अभ्यास से हमारी सेहत को बहुत लाभ पहुंचता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके बाद दिन भर बिल्कुल काउच पोटैटो बन के बैठे रहें। ये आपको फायदे से ज्यादा नुकसान ही करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप लगातार दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके बिजी स्केड्यूल में आपको एक्टिव रहने का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे पास कुछ सिंपल टिप्स हैं आपके लिए। हर एक घंटे के बाद आप अपने चेयर से उठ के थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके नेक और शोल्डर्स को स्ट्रेच कर लें। उसके अलावा आप अपने ऑफिस कॉल्स को लेते समय कोशिश करें कि घर के अंदर ही थोड़ा बहुत टहल लें कॉल्स लेते वक्त। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों या आपके पेट्स के साथ जरूर कोशिश करें दिन में 2 से 3 बार खेल कूद करना। इसे ना केवल आपके हेल्थ को फायदा होगा, आपके बच्चों और पेट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ समय बिता रहे हैं। किचन में काम करते वक्त भी आप अपने फेवरेट गानों को चला के थोड़ा सा थिरक सकते हैं, नाच सकते हैं, है ना सिंपल? बस इन्हीं सब सिंपल चीजों से हम दिन भर एक्टिव रह सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। चलिए अब हम आसन प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। मैट पे खड़े हो जाएंगे। पहला आसन हम करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए आप मैट के सामने आके खड़े हो जाएं
पैरों को कंधों जितनी दूरी पे फैला के रखें। अब इनहेल करते हुए हाथों को सीधा कानों से सटाते हुए ऊपर तक ले जाएं इस प्रकार, और एक्सहेल करते हुए धीरे से हाथों को ले आएं मैट की तरफ। कोशिश करें उंगलियों की टिप्स को मैट पे टच करने की कोशिश करें। घुटने हल्के से मुड़े हों तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हम मूवमेंट दोहराएंगे 5 बार ब्रीदिंग के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे। 2, ऊपर और नीचे। 3, ऊपर और नीचे। 4, ऊपर नीचे। और 5, ऊपर और नीचे आएंगे, और हल्का सा यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से ऊपर आए, पैरों को हल्का सा हिला लें। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है काली आसन। इसे इंग्लिश में हम गॉडेस पोज भी कहते हैं। तो इसके लिए अपने पैरों को 3 फीट की दूरी पे इस प्रकार फैला लें। अपने राइट और लेफ्ट फुट को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट कर लें इस प्रकार। अब हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार ले आएं। चेहरे पे हल्की मुस्कान रखना बिल्कुल ना भूलें। कमर पीठ सीधी। अब इनहेल करें, और एक्सहेल करते हुए जितना अपने हिप्स को नीचे ले जा सकते हैं कंफर्टेबली, उतना ले जाएं। ये मूवमेंट हम दोहराएंगे 5 बार धीरे से, कंट्रोल्ड तरीके से, और फिर लास्ट में हम थोड़ी सी होल्डिंग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पैरों को इस प्रकार फैला लें, राइट और लेफ्ट फुट को थोड़ा सा बाहर रोटेट कर लें। हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में, कमर पीठ सीधी। इनहेल और एक्सहेल डाउन। 2, इनहेल एक्सहेल डाउन। 3, इनहेल एक्सहेल डाउन। 4, इनहेल एक्सहेल डाउन। और लास्ट में हम होल्डिंग करेंगे। इनहेल और एक्सहेल डाउन, और यहीं पे होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 और 5। बहुत अच्छा। ऊपर आइए और पैरों को इस प्रकार धीरे धीरे से अंदर की ओर ले आए, और हल्की सी शेकिंग कर लें। चलिए अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है आंजनेय आसन। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आके इस प्रकार। अपने रिस्ट एल्बो और शोल्डर को एक लाइन में रखें। अब यहां से अपने हिप्स को उठाते हुए माउंटेन पोज में आएंगे, और यहां से राइट लेग को दोनों हाथों के बीच इस प्रकार रख लेंगे। लेफ्ट घुटने को नीचे टच करेंगे, और लेफ्ट टोज को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। अब यहां से धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए सीधे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने हिप्स को जितना हो सके नीचे की ओर ले आएंगे। पर हाँ, ध्यान जरूर रखें कि आपका राइट घुटना राइट फुट से आगे ना जाए, ठीक है। ये हम करेंगे दोनों साइड में, और हम होल्ड करेंगे 5 ब्रीदिंग के लिए हर एक साइड में। चलिए शुरुआत करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन से आए माउंटेन पोज की ओर। इसे हम पर्वतासन भी कहते हैं, डाउनवर्ड डॉग भी कहते हैं, अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। अब यहां से राइट लेग को दोनों हाथों के बीच इस प्रकार ले आए, लेफ्ट घुटना नीचे, लेफ्ट टोज को बाहर। अब यहां से इनहेल, और हाथों को ऊपर ले जाएं सीधा,
ऊपर की ओर देखें और होल्ड करें। एक, दो, तीन, चार और पांच। हाथों को धीरे से नीचे लाएं, अपने राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएं। अब यही मूवमेंट दोहराएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट लेग को ले आए हाथों के बीच इस प्रकार। राइट घुटने को नीचे रखें, राइट फुट को बाहर की तरफ पॉइंट करें। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखें और अपने हिप्स को नीचे लाने की कोशिश करें। एक, दो, तीन, चार और पांच। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। पर्वतासन या माउंटेन पोज में हल्के से पैरों को शेक कर लें इस प्रकार। अब पैरों को नीचे ले आएंगे और बालासन में पांच काउंट के लिए आराम करेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। धीरे से ऊपर आएंगे। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है परिवृत्त जानु शीर्षासन। इसके लिए हम सबसे पहले अपने मैट पे इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएंगे। यहां से अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे। चलिए इस पोजीशन में आए पहले मेरे साथ। अब अपने राइट पैर को मोड़ते हुए राइट एडी को इस प्रकार बीच में ले आए। अब अपने कंफर्ट लेवल में, जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, पहले अपने लेफ्ट हैंड को ले और अपने लेफ्ट पैर को इस प्रकार पकड़ ले। अब राइट हैंड को सीधा ऊपर उठाते हुए राइट हैंड की ओर देखें और होल्ड करें। चलिए साथ में करते हैं। अपने राइट लेग को मोड़ के राइट एड़ी को इस प्रकार बीच में फिक्स कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को इस प्रकार पकड़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी लेफ्ट एल्बो मैट पे इस प्रकार टच हो जाए। अब इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और राइट हैंड की उंगलियों को देखते हुए ये पोज होल्ड करेंगे। एक, दो, तीन, ब्रीदिंग बिल्कुल लंबी गहरी, चार और पांच। धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं। अब राइट लेग सीधा कर ले, यही मूवमेंट हम लेफ्ट साइड में दोहराएंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ के लेफ्ट एडी को इस प्रकार बीच में रख लें। अब राइट हैंड से राइट फुट को इस प्रकार पकड़ लें। यदि आपको पैर सीधा रखने में दिक्कत हो रही है तो आप बेशक अपने घुटने को मोड़ के रख सकते हैं इस प्रकार। चलिए अब लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर उठाते हुए लेफ्ट हैंड की उंगलियों को देखें और यहां होल्ड करें पांच काउंट के लिए। एक, दो, तीन, चार और पांच। धीरे से सेंटर में आए, लेफ्ट लेग को सीधा कर ले और हल्के से पैरों को शेक कर लेंगे। अब हम करेंगे सुप्त दंडासन। ये आसन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे पैरों पे, हमारे पाचन तंत्र पे और हमारी पीठ पे। सुप्त दंडासन का प्रैक्टिस आप बेशक रोज अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें तो आपको इसके फायदे बहुत जल्दी महसूस होने लगेंगे। तो सुप्त दंडासन के लिए मैट पे इस प्रकार आके लेट जाएंगे अपनी पीठ के बल। अब हम पैरों को सीधा अपने सामने इस प्रकार फैला के रखेंगे, पैरों को साथ में रखेंगे, हथेलियों को हिप्स के नीचे इस प्रकार रख लेंगे। इससे ये आसन थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है। अब
एक एक पैर के साथ हम सुप्त दंडासन करेंगे 5 काउंट के लिए इस प्रकार। तो पहले हम राइट लेग उठाएंगे सीधा, घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना, और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। हम दोहराएंगे ये आसन 5 बार हर एक पैर के साथ। चलिए शुरू करेंगे। इनहेल और एक्सहेल, 2 इनहेल एक्सहेल, 3 इनहेल एक्सहेल, 4 इनहेल एक्सहेल और 5 इनहेल और एक्सहेल डाउन। अब सेम मूवमेंट लेफ्ट लेग से दोहराएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, लेफ्ट घुटना बिल्कुल सीधा और डाउन, 3 अप और डाउन, 4 अप और डाउन, 5 अप और डाउन। अब हम यही आसन को थोड़ा सा और चैलेंजिंग करेंगे। यदि आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप बेशक रिपीट कर सकते हैं इंडिविजुअल पैर के साथ, पर अब हम कोशिश करेंगे सुप्त दंडासन को दोनों पैरों से साथ में करने के लिए। आइए वापस पीठ के बल लेट जाएंगे इस प्रकार। हाथों को हिप्स के नीचे ऐसे रख लेंगे ताकि थोड़ा और आराम मिल जाए। अब दोनों पैरों को साथ में इस प्रकार जोड़ लें और इनहेल करते हुए दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे सीधा इस प्रकार, और धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे ले आएंगे। ये हम दोहराएंगे 5 बार, और ध्यान रखें नीचे ले आते वक्त जल्दबाजी ना करें। तो इस प्रकार नीचे जल्दबाजी में ना आए, कंट्रोल तरीके से ये आसन करें। चलिए, 1, धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे, 3, धीरे से नीचे, 4, धीरे से नीचे, और अब हम लास्ट में ऊपर आके होल्ड करेंगे। ऊपर आए, घुटनों को सीधा रखें और होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4 और 5। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, धीरे से दोनों पैरों को आराम आराम से नीचे की ओर ले आए। हाथों को साइड में रख लेंगे, पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। अब ये भी एक बहुत ही बेहतरीन आसन है, जिससे कि आपके पाचन तंत्र यानी आपके डाइजेशन पे एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। पवन मुक्तासन को भी आप रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और ये इस प्रकार का आसन है जो आप सुबह अपने बेड से उठते ही बेड पे ही लेटे लेटे 2 या 3 बार कर सकते हैं, है ना मजे वाली बात। चलिए आइए हम पवन मुक्तासन करेंगे। पीठ के बल इस प्रकार मैट पे लेट जाएंगे, पैरों को सीधा अपने सामने फैला लेंगे। अब हम एक एक पैर के साथ पहले पवन मुक्तासन करेंगे और उसे होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। तो सबसे पहले राइट लेग को मोड़ लें, राइट घुटने को इस प्रकार अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने छाती की ओर जितना पास ले आने की कोशिश कर सकते हैं उतना करें। अब या तो आप यहीं पे होल्ड कर सकते हैं, या अगर आपके गर्दन में कोई दिक्कत नहीं हो तो आप गर्दन उठा के इस प्रकार अपने घुटने को टच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ में करेंगे। राइट लेग को मोड़ लें, राइट घुटने को बाहर से इस प्रकार पकड़ लें, अपने छाती की ओर खींच के ले आए, और अब
सिर को ऊपर ले आके घुटने की ओर टच करने की कोशिश, एक दो तीन चार और पांच। धीरे से अपनी गर्दन नीचे रखें, हाथों का ग्रिप छोड़ दें और पैर को धीरे से अपनी मैट पे वापस ले आए। अब यही मूवमेंट दोहराएंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट घुटना मोड़ लें, इस प्रकार पकड़ लें और अपने लेफ्ट घुटने को छाती की ओर खींच के इस प्रकार ले आए। अब धीरे से गर्दन को उठाते हुए, अगर पॉसिबल हो तो ही, और यहाँ पे होल्ड करेंगे पांच काउंट के लिए। एक दो, कोशिश करें राइट लेग बिल्कुल मैट से ना उठे, तीन चार और पांच। धीरे से गर्दन को नीचे रखें पहले, अब हाथों की ग्रिप छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे से नीचे की ओर ले आएंगे और हल्का शेक कर लेंगे। अब हम पवन मुक्तासन एक आखिरी बार करेंगे, लेकिन इस बार दोनों पैरों के साथ साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब दोनों पैरों को बाहर से इस प्रकार हम पकड़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने दोनों एल्बोस को इस प्रकार ग्रिप कर लें। यदि ये मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। अब इसी अवस्था में हम पांच काउंट के लिए होल्ड करेंगे। यदि पॉसिबल है तो गर्दन ऊपर उठाएंगे या तो फिर गर्दन नीचे ही रखेंगे। चलिए आएंगे, एक दो तीन चार और पांच। पहले धीरे से अपने हाथों का ग्रिप छोड़ दें, हाथों को मैट पे ले आएं। अब पैरों को धीरे धीरे से सीधा करते हुए मैट पे वापस लाएं और हल्का सा शेक कर लें। तो है ना ये आसन काफी सिंपल। इसका आप रोज यदि अभ्यास करेंगे, इसे अगर आप रोज तीन से चार बार अगर दोहराएंगे तो आपको अपने डाइजेशन में जरूर बेनिफिट दिखेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और जैसे आपने देखा, ये आसन आप सुबह सुबह उठते ही बेड पे ही कर सकते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम सेशन में आखिरी आसन, जो सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है, वो है शवासन। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शवासन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपके पूरे शरीर में जितनी भी थकान पैदा हो जाती है वो सब दूर हो जाती है। तो कभी भी योग के अभ्यास के बाद बिना शवासन किए आप अपने बाकी डेली एक्टिविटीज को शुरू ना करें। तो चलिए शवासन करने के लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे मैट पे, पैरों को हल्का सा फैला के रखेंगे कंधों जितनी दूरी पे, हाथों को साइड में रख लेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़ के, आंखें बंद, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ने की कोशिश करेंगे। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान रखते हुए अपने शरीर के हर मसल को रिलैक्स करेंगे। अपने सांसों की मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस करेंगे। अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी को ले आएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से रिलैक्स कर लें।
अब धीरे से अपनी उंगलियों को मूवमेंट देना शुरू करेंगे, अपने पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देना शुरू करेंगे, पैरों को मिला लेंगे, हाथों को अपने सिर के पीछे सीधा ले जाके उंगलियों को इंटरलॉक करके हथेली बाहर की तरफ घुमा के पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे ऊपर से नीचे तक सुप्त ताड़ासन में। स्ट्रेच स्ट्रेच और स्ट्रेच। धीरे से किसी भी एक साइड की करवट लेके मैट पे आके बैठ जाएंगे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में। आंखें बंद, कमर पीठ बिल्कुल सीधी, हथेलियों को घुटनों पे चिन्ह मुद्रा में ले आए, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखें, दो से तीन लंबी गहरी सांसें लें। अपने शरीर में जो नई ऊर्जा आई है उसको पूरी तरह से महसूस करें। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और तीन बार शांति का उच्चारण करेंगे। तो डीप इनहेल, शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियों को रब करना शुरू करेंगे। हथेलियों को धीरे से अपने आँखों पे रखते हुए, अपनी आँखों और चेहरे को धीरे से मसाज देते हुए आँखें खोल लें। और ये हमारे तीसरे सेशन की समाप्ति हुई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले आप ज़रूर डाउनलोड कर लें कल्ट फिट ऐप, जहाँ पे आपको ऐसे और कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस मिलेंगे। योगा फिट विद संध्या के अगले सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे।